और खासकर हम किसानों के लिए। ये धरती उसकी मां होती है। सड़क का निर्माण होगा तो हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। हम इतने गए गुजरे नहीं हैं कि चांदी के चंद टुकड़ों की खातिर अपनी मां को इन सौदागरों के हाथों में बेच दें। ये राजनेता आते हैं और मुआवजे का लालच देकर हमसे हमारी जमीन को छीन के ले जाए। घर घर में चूल्हा जलेगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, उद्योग का विकास होगा, हमारे किसान भाइयों का विकास होगा। हमें विकास चाहिए, लेकिन विकास के नाम पर विनाश मुझे कतई मंजूर। कल तक जो किसान उस जमीन का मालिक था, आज उसी किसान को उस जमीन के ऊपर बने हुए कारखाने का मजदूर बना दिया जाता है, तो ये किसान का विकास नहीं, उसका विनाश है। कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, वो इस बात को धर्म का नाम देके हमारे क्षेत्र में विकास को रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। आगामी चुनाव में हमें अपने क्षेत्र से ऐसे प्रतिनिधि को चुनना है जो सच्चे अर्थों में धरती, जो सिर्फ अपना हित नहीं बल्कि अपनों के हित के लिए चुने। अगर हम ऐसा हर गिर नहीं होने देंगे। ठीक है, चौधरी जी सारा खेल बिगाड़ा, पता नहीं क्या जादू टोना कर दिया है टोपी वालों ने। भाई साहब, आखिर ओम भी तो है आपके बच्चे जैसा ही ना, उत्साही जरूर है मगर दिल का बुरा नहीं है, और फिर उसको आपके आशीर्वाद की जरूरत है, उसकी जीत आपकी जीत है। ऐसी जीत का क्या फायदा शेवा, जो अपनों को ही अपनों से लड़ा दे, वो भी धर्म के नाम। अन्याय के रास्ते पे चलने वाले किसी भी व्यक्ति को हमारा सहयोग नहीं है, फिर चाहे वो हमारा बेटा ही क्यों ना हो। आपने हमें गैर बना दिया। बिल्कुल नहीं, वे भी तो अपने ही हैं, जिनकी जमीन के ऊपर कब्जा कर कर माता का मंदिर बना रहा। बिल्कुल है, अपने हैं, थोड़ा सा फर्क है, जो हमने नहीं उन्होंने किया है। और एक बात बोले भाई साहब, जिसको आप अपना कह रहे हैं ना, इतिहास गवाह है, वो किसी के सगे नहीं रहे हैं। जमीन हो या जमीर, ये मजहबी नहीं होते, और ओम जैसे तो इन दोनों को ही मजहब के रंग में रंग देता। अच्छा लगा, आते रहना। बड़ी उम्मीदें हैं चौधरी साहब, ख्याल रखिएगा। हमेशा हमारे ही लोगों के साथ क्यों होता है, ये चुन चुन करके हमें ही टारगेट क्यों किया जाता है। मुंबई में, मेरठ में, गुहाना में कितने घर जले, कितने सर कटे, अंदाजा है आपको? बात अगर सिर्फ आवाम की होती तो शायद चुप रहते हम,
लेकिन अब नहीं, बात हमारे कौम की है। ये सितम अब और बर्दाश्त नहीं। बोलो हाँ कि ना। कल एक खबर आई थी कि कैराना में एक गाय के कटने से दंगे भड़क गए। ये कहते हैं कि गाय हमारी माता है। बड़ी अच्छी बात है, अगर गाय तुम्हारी माता है तो मां की इज्जत करो, मां का एहतराम करो। उन्हें यूं ही बाजार में भटकने के लिए क्यों छोड़ देते हो? उनका सौदा क्यों करते हो? बाजार में उनकी बोली क्यों लगाई जाती? क्या हम जबरदस्ती करते हैं? लोग कहते हैं कि आलम खान फिरका परस्त है, आलम खान यह परस्त है, आलम खान वो परस्त है। नहीं, आलम खान केवल इस्लाम परस्त है। मैं यहां सियासत करने नहीं आया हूं। मैं सरकार में रहूं या ना रहूं, अगर हमारे लोगों पर जुल्म होगा तो मैं चुप नहीं रहूंगा। हमसे कहते हो कि हिंदुस्तान छोड़कर चले जाओ, हम इतनी आसानी से हिंदुस्तान छोड़कर जाने वालों में से नहीं है। और खुदा की कसम, अगर 25 करोड़ मुसलमानों को 15 मिनट का मोहलत दे दी जाए तो हम 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे, क्योंकि तो हम ना मर्दों की हम नहीं है। बोलो अरे हम तो मरते भी हैं तो 2 गज जमीन का टुकड़ा लेकर दफन होते हैं। तुम तो जलकर फिजाओं में आग हो जाते हो। शुक्र करो कि आज हमारे हाथ में ये माइक है। अगर कल को इस माइक की जगह कुछ और हो जाए तो खुदा की कसम हिंदुस्तान की तवारीख में लोगों ने इतना खून खराबा नहीं देखा होगा जितना कि अब होने वाला है। बोलो हाँ कि ना। अच्छा है, है? अच्छा है, अच्छा है। क्या हुआ बवासीर की समस्या और बढ़ गई है क्या? अब अगर शरीर का दर्द मिट गया हो तो ये भी पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, समझे? ये तो हमारे लिए और भी अच्छा है। अच्छा है, तुम चौधरी को संभाल लो, ये तुम्हारी। प्रदेश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री आलम खान ने आज मलिहाबाद में एक जनसभा में चेतावनी दी है कि वे सरकार में रहे या ना रहे, लेकिन उन्हें अपनी कौम की हिफाजत करना आता है। एक कदम और आगे बढ़ते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि अल्लाह का शुक्र है कि उनके हाथ में आज की कानून व्यवस्था हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। इसके साथ किसी भी किस्म का खिलवाड़ हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो या किसी भी पद पर हो, अगर दोषी पाया जाता है उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाए। और आप सब, मेरा मतलब सब, किसी भी दबाव में ना आए, हम हैं आपके साथ। हमारे एंड से जो भी चाहिए दहेजक कहिए। और खाना साहब, मलियाबाद की स्थिति गंभीर है, हम चाहते हैं कि आप अपना सबसे काबिल अफसर तुरंत वहां भेजें। रघु,
रघु, रघु, सता रहा है अपने आपको, पता है ना निकाह तय हो चुका है उसका। पता नहीं कब जाने लग गए मुझसे, लेकिन हम गलत नहीं है, कोई गलती नहीं की। जानते हैं हम, पूरा भरोसा है हमको तुम पर। अब चलो कुछ खा लो और कॉलेज जाओ। क्या भाई कहाँ था तू, कॉलेज क्यों नहीं आ रहा था? अरे यार तबीयत सही नहीं चल रही थी। अच्छा क्या हुआ? चल लाइब्रेरी जा रहे, चल लो साथ। ठीक है आओ चलो। क्या हुआ? रघु है ना? अरे हाँ जा जा जा, ज़ैनब को बोल जा। ठीक है। रघु, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। Keep quiet। मुझे इनसे बहुत जरूरी बात करनी है। Anyone has any problem? सैनब, सीन क्यों क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पर? सीन क्रिएट हुआ नहीं है, मगर हो जाएगा। 10 मिनट के अंदर मुझे पुरानी पुलिया पे मिलो, वरना वही पुलिया से कूद कर जान दे दूंगी। मोहब्बत करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें नहीं पता कि मैं किसी और की अमानत हूं? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? ऐसा कुछ है ही नहीं।
तुम बात समझने की कोशिश तो करो यार। गलतफहमी है यार तुम्हारी। गलतफहमी? खाओ मेरी कसम कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। तुम्हारी खामोशी से जवाब मिल गया है मुझे। क्यों किया तुमने ऐसा? यार कैसे समझाएं तुम्हें हम? यार कोई जान के करता है क्या? हो जाता है अपने आप। हो गया लेकिन हर प्यार का अंजाम निकाह या शादी तो नहीं है ना सैनब। तुमने एक बार के लिए भी नहीं सोचा कि जब मुझे इसका पता चलेगा तो मुझ पर क्या गुजरेगी? बोल सकते थे हम, बहुत पहले तुम्हें कह चुके होते। तुम्हारी दोस्ती को नहीं होना चाहते थे इसलिए चुप रहे। सोचा कुछ नहीं, उम्र दोस्ती तो नहीं रहेगी ना जरा। बोलो मैं क्या करूं? अधिग्रहण कानून के खिलाफ 4 तारीख को हमें दिल्ली में विरोध दर्ज करना है। हमारी रणनीति क्या होगी इसका फैसला हम सब लोग बैठकर पंचायत में करेंगे। सलीम कॉलेज के पीछे पुरानी पुलिया पे मुतकिन ने रघु को मार डाला। Woo!
जो हुआ बहुत बुरा हुआ। बुरा क्या हुआ? तुमने मारा नहीं है, तुमने तो इस्लाम की हिफाजत की है। ये काफिर हमारी लड़कियों को बरगलाकर हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर कब तक चुप बैठोगे मियां? कोई ना कोई तो हथियार उठाएगा ही। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तुम्हें भी यही करता। हम गुस्से में जरूर थे लेकिन इतने पागल नहीं है कि किसी को जान से मार दे। इस्लाम जोड़ने वालों का मजहब है, तोड़ने वालों का नहीं। आप लोगों की यही बातें तो इस्लाम को कमजोर कर रही है जनाब, और इसका फायदा ये काफिर उठा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों सिर्फ दोस्त थे। अरे भाईजान आप चुप रहिए। ये सब आप ही की ढील का नतीजा है। हमें पुलिस के पास जाना होगा। माहौल पहले से खराब है, कहीं ऐसा ना हो कि इसका खामियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़े। तैयार है। चौधरी साहब संभालिए अपने आप को, FIR दर्ज करानी होगी। देखिए किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, विश्वास रखिए। FIR दर्ज करने से कुछ नहीं होगा, खून का बदला खून से लिया जाएगा। देखिए जो हुआ बुरा हुआ, हमें आप लोगों के साथ सहानुभूति, किसी को नहीं छोड़ेंगे। चौधरी साहब आप समझाइए इन लोगों को। चौधरी साहब खामोश है लेकिन हम लोग खामोश नहीं रहेंगे। हमारा बेटा गया है। चौधरी साहब यह शहर आपका है, अगर आज आपने हमारा साथ नहीं दिया तो इस शहर को जलने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने हमेशा न्याय का साथ दिया है। आज भी दूंगा लेकिन मुझे आपसे भी यही उम्मीद है। ले जाइए इसे पोस्टमार्टम के लिए। ऐसे कैसे होगा पोस्टमार्टम? भाई मरा है हमारा। विधायक जी शहर का माहौल बहुत खराब है, हमारा सहयोग कीजिए। अरे हम लोग तो सहयोग ही कर रहे हैं पांडे जी, सौतेला व्यवहार तो आप कर रहे हैं। बताइए क्या मिला चौधरी जी, सहयोगी तो कर रहे थे। हमें अपना ड्यूटी करने दीजिए, आप अगर ड्यूटी कर रहे होते तो ये नौबत नहीं आती। अब चिता तभी जलेगी जब उधर से भी जनाजा हो। हमें अपना काम मत समझाइए। जानते हैं हम यहाँ क्यों आए। विधायक जी से बहस कर रहे हैं। शांत हो जाइए आप लोग। हमारा बेटा मरा है विवेक, नहीं मैं अपने बेटे की लाश पर राजनीति नहीं होने दूंगा। पांडे जी मुझे उम्मीद है कि मेरे बेटे को इंसाफ मिलेगा। Thank you.
कभी भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो हिंदू हित के काम ना आए वो बर्बाद जवानी है। मगर आप लोग की जवानी क्या है? आपके धर्म का मजाक उड़ाया जाता है, आपके देवताओं को गाली दी जाती है, आपकी बहू बेटियों को न सिर्फ छेड़ा जाता है बल्कि छल प्रपंच से उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और आप लोग चुप बैठे। आपको तो पता है ना कि चौधरी के बेटे के साथ क्या हुआ है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप भूल गए हैं कि आप क्या थे और क्या हैं। आप भूल गए हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है। आप ये भी भूल गए हैं कि आगरा, मेरठ, मथुरा और गोधरा में क्या हुआ था। चलिए छोड़िए, आप तो ये भी भूल गए हैं कि बस्ती, अमेठी और मलियाबाद में क्या हो रहा है। तो क्या बात करें भैया जी, आप आदेश करो, हम एक सीट बजा देंगे। क्या भाइयों, इतिहास सिर्फ वीरों का होता है, कायर कभी इतिहास नहीं बनाते। वीर भोग्य वसुंधरा, आप संगठन और क्षेत्र के जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आपका दायित्व है कि कोई भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि आपके क्षेत्र में ना होने पाए, ना गोकशी, ना ही पाकिस्तान के झंडे। एक बात और, जिन्हें भारतवर्ष अपनी मातृभूमि नहीं लगती उन्हें यहाँ से जाना है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आप सब समझदार हैं और क्या करना है आपको पता है। बाकी राम जी के पास। लोकसभा का चुनाव तो तुम जीत ही रहे हो, सोच रहे हैं कि विधायक की हम लड़ लें, क्यों? देखो, ये भी विधायक बनेंगे। शरीर का बोझ संभाला नहीं जाता है, विधानसभा संभालेंगे। ओ मामा, भांग पी के आए हो क्या? क्या ये सब क्या कर रहे हैं आप? आपने कुछ खाया भाई? हमने पूछा क्या कर रहे हैं आप? हमारी हिफाजत के लिए है। गलत कर रहे हैं, हमें बाहर जाना। भाईजान, बाहर पुलिस हमें ढूंढ रही है, खतरा है, खुदा का वास्ता बैठ जाइए। हमें परवाह नहीं मुस्तकीम है। जनाब, कैसी हैं भाई? रघु कहाँ है? सलीम, मैंने कुछ पूछा, रघु कहाँ है? क्या किया है तुमने उसके साथ? मार डाला। होश में आइए, अरे होश में आइए भाईजान। सॉरी
उठो जनम 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 आप किसी को पुलिस के पास पहुंच जाए कुछ नहीं होगा आपको आप पुलिस के पास जाइए और हो सके तो हमको माफ कर दीजिएगा सैनब जाइए सैनब जाइए सैनब जाइए सैनब घर भी तेरा।
से। खुदा तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारी हिफाजत करे। चौधरी साहब, पता नहीं मेरे बच्चों के गुनाहों को कभी खुदा माफ करेगा भी या नहीं, लेकिन आप हमें जरूर माफ कर दीजिएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। बाजार के पीछे वाली गली में जी, जैनब मेरे साथ, इस बच्ची को यहां से सुरक्षित निकाले। चौधरी साहब, आप वहीं रहिए, मैं अभी पहुंचा। जी बेहतर। जय श्री राम। गाड़ी जुम्मा बाजार की तरफ हो, फोर्स लेके जुम्मा बाजार पहुंचो तुरंत। सर, फोर्स का बीट कर ले। गाड़ी रोको, नीचे उतरो। और किसी को पुलिस फोर्स का इंतजार करना हो तो नीचे उतर जाए। सॉरी सर। चाचा जी, मैं छूटती हूँ, आप मुझे इस भीड़ के हवाले कर दे, मुझे जाने दे। एक जान बचाने की कीमत इतनी छोटी तो नहीं हो सकती ना। जब तक मेरे शरीर में प्राण बैठे, तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मैं अब और लाशें नहीं देख सकती। माहौल बहुत खराब है, पुलिस फोर्स अभी तक पहुंची नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप और जैनब यहां से निकल जाएं। चौधरी साहब, जल्दी करिए और अपनी हिफाजत के लिए ये अपने पास रखिए। आइए, चलिए आइए, जल्दी करिए। Don't go! Fire!
जिन्होंने तुम्हें धर्म का मतलब सिखाया, आज तुम उन्हें धर्म समझाने जा रहे हो। इन मतों को मरो, निकालने दो इनको इनके मन की भड़ास। ये लोग गलत नहीं है, इनकी स्वार्थी सोच गलत है, जिसे धर्म के नाम पर इन पर थोपा गया है। भगवान ने हिंदू मुसलमान नहीं बनाए, उसने सिर्फ इंसान बनाया। इसलिए दुनिया के सारे धर्मों में सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है, और इंसानियत की रक्षा करते हुए यदि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो जाना तो मुझे परवाह नहीं है। आना चाहता हूं मुझे यदि मुझे मार के तुम्हारे धर्म की रक्षा करती है तो खराब। अभी तक मैं जैनब की रक्षा कर रहा था, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरा भगवान उसकी रक्षा करेगा। वही भगवान जिसके ऊपर तुम लोगों को आस्था है।